हेलो एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई पंकज मिश्रा वेलकम यू ऑल गेट एकेडमी चैनल। गाइस, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस चैनल पर, जहां पर मैं डेली 7 PM पर डील कर रहा हूं कंप्यूटर ग्राफिक्स। दोस्तों, एज आई टोल्ड यू, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, व्हेन यू विल फॉलो मी पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करेंगे देन इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट गाइस। So, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े थे यहाँ पर, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कल हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया था। कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स गाइस, नॉन इंटरेक्टिव सीजी एंड व्हाट इंटरेक्टिव सीजी। नॉन इंटरेक्टिव सीजी में क्लाइंट डजंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट, और यू कैन से दैट व्हाट यूजर डज नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट, ओके, इन द इमेज, ओके, लाइक स्क्रीन सेवर। एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में टू वे कम्युनिकेशन था आपका यूजर का और कंप्यूटर स्क्रीन का। शो गुड गॉड ऑफ व्हाट, ठीक है। सो आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। एम आई ऑडिबल गाइस, एम आई ऑडिबल, जल्दी से मुझे बता दो कि मैं यहां पर ऑडिबल हूं आप सभी के लिए। एम आई ऑडिबल एवरीवन गाइस? सो आज हम लोग यहां पढ़ेंगे वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, दैट इज व्हाट बीडीयू। क्या पढ़ेंगे? बीडीयू पढ़ेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एम आई ऑडिबल? जस्ट लिसन मी, यस एम आई ऑडिबल, वेरी गुड। सो जल्दी जल्दी सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेज यहां पर क्या होती हैं, क्या इनका काम होता है। जैसे कि मेरे साथी यहां पर कह रहे हैं कि सर जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट करिएगा, ठीक है। सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। सो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती है गाइस? एज आई सभी को पता है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइजेशन हो सके जो भी आपका इंफॉर्मेशन को गेन करने वाला है उसको हम लोग वीडियो का यूज करते हैं, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं गाइस। क्लियर टू एवरीवन? अगर बातें दिल तक पहुंच रही हो तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखकर लाया हूं आपके लिए यहां पर सारी चीजें, हम पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे। एज आई टोल्ड यू, एक कॉपी बना लीजिए डेडिकेटेड टू पंकज मिश्रा सर कंप्यूटर ग्राफिक्स की, ठीक है, मजा आएगा आपको, ठीक है, मजा आएगा आपको। सो जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट यहां पर बताया, दिस इज वेरी फर्स्ट पॉइंट इन बीडीयू, जो डिस्प्ले डिवाइसेज होती हैं जिनको जनरली हम आउटपुट डिवाइसेज भी कहते हैं, लाइक मॉनिटर एंड ऑल, ये इनको हम लोग यूज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि विजुलाइजेशन करके हम उस इंफॉर्मेशन को समझ सके इमेजेस के थ्रू, ठीक है। तो उनका हम लोग यहां पर यूज करते हैं, ठीक है, सभी लोग मुझे बताते रहेंगे। सो पहला पॉइंट दोस्तों सभी को क्लियर हो गया? क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? रेस्पॉन्ड करिए, अगर आपकी मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इंटरेक्टिव बनाइए, माहौल बनाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइस, हर जगह शेयर कर दीजिए। So this is the very first point, the display device is an output device. जो display device होती है वो हमारी output device होती है, as I told you, used to represent the information, जो भी information हमारे पास है उसको represent करते हैं in the form of images, यानी कि कह सकते हो visual form में, ठीक है, जिससे कि हमें उसको हम अच्छे से visualize कर सके। Clear to everyone guys? Reply me fast, crystal clear होना चाहिए आपको सारे points. So I hope कि पहला point आपको clear हो गया होगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं सेशन के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? डिस्प्ले सिस्टम्स आर मोस्टली कॉल्ड ए वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ओके गाइस। डिस्प्ले सिस्टम्स जो हमारे होते हैं जिनको आउटपुट सिस्टम्स भी कहते हैं, आर मोस्टली कॉल्ड ए वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बीडीयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, ओके गाइस, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, डिस्प्ले सिस्टम्स आर मोस्टली कॉल्ड एज व्हाट? वीडियो मॉनिटर और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट यहां पर क्या है? डिस्प्ले डिवाइसेज आर डिजाइनिंग टू मॉडल, डिस्प्ले डिवाइसेज जो हमारी होती है लाइक मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, ठीक है, ये जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेज है, सीआरटी, ठीक है, सो इनको डिजाइन किया जाता है टू मॉडल, डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन, व्यू करने के लिए और डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? यस, बीडीडी भी आपका है, प्रोजेक्टर जो बीडीडी होता है वो भी आपका डिस्प्ले डिवाइस ही है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है? द पर्पज ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
बिल्कुल सही बात है. दे कैन आस्क यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस और वीडियो डिस्प्ले यूनिट. सो पर्पस बहुत ही साफ है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिंप्लीफाई बनाया जाए, जो भी उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है अच्छे से गेन कर सके, सिंप्लीफाई बनाया जाए. क्लियर है? क्लियर है सभी को गाइस? सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, प्लीज नोट इट डाउन. द पर्पज ऑफ द वीडियो डिस्प्ले यूनिट और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का पर्पज क्या है, इज टू सिंप्लीफाई इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू द इमेजेस और सम अदर फॉर्म्स गाइस. ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये पर्पज है वीडियो डिस्प्ले यूनिट डिवाइसेस का, या डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज करने का पर्पज ये है. आजकल हम लोग सभी लोग चाहते हैं ना कि हमें हाई डेफिनेशन की वीडियोस मिले, ठीक है, हाई क्वालिटी की वीडियोस मिले गाइस. सो टुडे द डिमांड्स फॉर हाई क्वालिटी डिस्प्ले इज इंक्रीजिंग. आजकल जो हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है उसकी हम लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं. हाई क्वालिटी एचडी वीडियोस चाहिए हम लोगों को, एचडी जो है ऑडियो चाहिए. क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर? सारी वीडियोज हम लोगों को एचडी में ही चाहिए. सो सभी पॉइंट्स सबको समझ में आ गए. वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, बहुत सारी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस भी कह सकते हो, जिनको हम लोग यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और विजुअल फॉर्म में, जिससे कि इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके गेनर के लिए. ठीक है, ठीक है गाइस? ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, बहुत सारी आपकी जो है, बहुत सारी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस होती है, लाइक आपका सीआरटी, कैथोड ट्यूब, कलर सीआरटी, ठीक है, आपका एलसीडी, एलईडी, ये बहुत सारी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज गाइस शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन. ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है सारे पॉइंट्स में तो लाइक करिए, शेयर करिए और सभी लोग इंटरेक्ट करिए. ठीक है, सभी लोग गाइस यहां पर इंटरेक्ट करते रहिए. तो सभी ने पॉइंट नोट डाउन कर लिए? ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, यस. ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया यहां पर? चलो अगला पॉइंट करते हैं यहां पर. सो ये कुछ मेरे पास यहां पर डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. ठीक है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, उसके बाद हम लोग कलर सीआरटी मॉनिटर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको एलसीडी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी को भी डिस्कस करेंगे. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं डिस्प्ले डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो आपके एग्जाम में आती हैं यूजीसी नेट के और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में. ठीक है, क्लास ये आपकी हमेशा फ्री रहेगी, हमेशा फ्री रहेगी जीतू. डेली आपका 7 PM पर आप लाइव आइए और इस क्लास का बेनिफिट लीजिए. ठीक है, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स डीवीएसटी भी हमारी डिस्प्ले डिवाइस है, प्लाज्मा डिस्प्ले, 3D डिस्प्ले, दीज आर दी डिस्प्ले डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस विच वी विल डिस्कस हियर, जिनको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट में और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गाइस. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरी? आई विल टेल यू एवरीथिंग. साइंस स्टूडेंट गेमिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग. मेरे हिसाब से चलो ठीक है, आई विल टेल यू एवरीथिंग एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर, ओके, एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट. सो सभी ने नोट डाउन कर लिया, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी. आई विल डिस्कस हियर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स. बहुत जल्दी हम लोग प्लान करेंगे क्रैश कोर्स वगैरह के लिए, आपका यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स प्लान करेंगे. अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि यूजीसी नेट गेट अकेडमी के यूजीसी नेट के चैनल पर कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टार्ट हो चुका है पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सर पंकज मिश्रा सर. ठीक है, और उसके लास्ट में, सेशन के लास्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं. तो सबको शेयर कर दो, सबको बता दो. बहुत जल्दी हम लोग सारे सब्जेक्ट लेकर आने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पर कैथोड रे ट्यूब सीआरटी. ठीक है, सभी ने आई थिंक नोट डाउन भी कर लिया होगा. चल अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग यहां पर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा सीआरटी. सीआरटी क्या होता है? एज ऑल ऑफ यू नो दैट सीआरटी इज व्हाट गाइस, कैथोड रे ट्यूब. सीआरटी में क्या होता है? सीआरटी जो होती है हमारी एक वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसमें हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बीम को डालते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन बीम आपका जो है वो किसी रेडिएंट सरफेस पर पड़ती है तो इमेज ड्रॉ करती है. ठीक है, लिसन मी केयरफुली. सीआरटी में जो सीआरटी जो टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करती है? सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होती है, कई सारे कॉम्पोनेंट होते हैं सीआरटी के. अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा.
जब इलेक्ट्रॉन गन से कोई इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है तो इलेक्ट्रॉन बीम जब उस वैक्यूम ट्यूब में पास होकर जाती है, ठीक है, और वो किसी रेडिएंट सरफेस पर, जैसे फास्फोरस सरफेस होता है, जब उस पर गिरती है वो इलेक्ट्रॉन बीम, तो इमेज को ड्रॉ कर देती है। किसको ड्रॉ कर देती है गाइस? इमेज को ड्रॉ कर देती है, ठीक है, इमेज को ड्रॉ कर देती है। सबके लिए यहां पर सारी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, आपका पीजीटी में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, पीजीटी में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है, ठीक है। सो हेयर मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपको दूंगा, मैंने इसकी वर्किंग आपको समझा दी है। कैथोड रे ट्यूब जो कैथोड रे जो आपकी ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन बीम आपके पास होते हैं और जब किसी रेडिएंट सरफेस पर पड़ते हैं, ठीक है, हम लोग फास्फोरस का सरफेस यूज करते हैं, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन यूज करते हैं, तो उस स्क्रीन पर आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम्स वो पड़ते हैं, तो जो भी इमेज होती है वो आपकी ड्रॉ हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? ड्रॉ हो जाती है डिस्प्ले डिवाइस पर, आउटपुट डिवाइस पर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर साइंस स्टूडेंट गेमिंग, ठीक है। सो यहां पर पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए आप। हेयर सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इट इज ए टेक्नोलॉजी विच इज यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर एंड टेलीविजन। मतलब पहले यूज करते थे हम लोग टेलीविजन के लिए, और ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर होते थे, कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते थे, वहां पर हम लोग सीआरटी स्क्रीन यूज करते थे। अब इनका यूज नहीं करते हम लोग, जनरली इनको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने एलसीडी से और एलईडी से, ठीक है। सो कैसे काम करता है ये आपका? कैथोड रे ट्यूब इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ, एज आई टोल्ड यू, वैक्यूम ट्यूब होता है एक तरीके का कैथोड। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। कैथोड रे ट्यूब एक टाइप का वैक्यूम ट्यूब होता है दैट डिस्प्लेज इमेजेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम, एज आई टोल्ड यू, जब इलेक्ट्रॉन बीम आपकी ट्रेवल करके जाएगी इस वैक्यूम ट्यूब में, जब वो कोलाइड्स करेगी ऑन द रेडिएंट सर्फेसेस, ठीक है, जब रेडिएंट सर्फेसेस यानी कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन यूज करते हैं हम लोग सीआरटी में यूज करते थे, तो जब उस पर वो इलेक्ट्रॉन बीम आपकी कोलाइड होती थी तो इमेज आपकी ड्रॉ हो जाती थी, डिस्प्ले हो जाती थी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बीम जो आपका निकलेगी उस वैक्यूम, जो इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगी सीआरटी में, वो वैक्यूम ट्यूब में जब ट्रेवल करके किसी रेडिएंट सरफेस से कोलाइड करेगी, यहां पर हम लोग फास्फोरस कोटेड स्क्रीन यूज करते हैं, तो वो इमेजेस को डिस्प्ले कर देगी। क्लियर टू एवरीवन? जीतू बंसल, साइंस स्टूडेंट गेमिंग, एवरीवन क्लियर गाइस? मुझे बताते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए कि हाँ सर समझ में आ गया, इसकी वर्किंग समझ में आ गई। सीआरटी की, सीआरटी को हम लोग पहले कंप्यूटर मॉनिटर्स के लिए यूज करते थे, टेलीविजन में यूज करते थे, बट अब सीआरटी रिप्लेस हो गई है आपकी एलसीडी से, एलईडी से, इन सारी चीजों से, ठीक है। ओके, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन बोथ द लैंग्वेज। आई विल यूज हियर बाइलिंगुअल लैंग्वेज, आई विल यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ओके, जिससे दोनों स्टूडेंट्स यहां पर समझ पाए, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यहां पर, आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली हियर, ओके, जस्ट लिसन मी केयरफुली, ओके। सो दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर आई थिंक, सो प्लीज नोट इट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन गाइज, दिस इज अ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आई थिंक यू आर, दिस इज विजिबल फॉर यू। हेयर वी हैव वॉट? इलेक्ट्रॉन गन, ओके। हेयर वी हैव वॉट गाइज? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से जब आपकी ये बीम, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, ठीक है, यहां पर कई सारे कॉम्पोनेंट होते हैं आपके सीआरटी के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन जब आपके इस डिफ्लेक्टर के थ्रू, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टर के थ्रू पास होकर आपके इस रेडिएंट सरफेस पे पड़ती है जो फास्फोरस का होता है, तो इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी इमेज? डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। सो ये अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको। इलेक्ट्रॉन गन देखो, यहां पर ये गन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन गन बनी हुई है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपके क्या होते हैं? डिफ्लेक्शन होते हैं। उनसे जब पास होकर जब ये रेडिएंट सरफेस पर पड़ती है, फास्फोरस का कोटेड स्क्रीन होती है, तो इमेज आपकी क्या हो जाती है? डिस्प्ले हो जाती है। इमेज आपकी क्या हो जाती है? डिस्प्ले हो जाती है। सभी को दिखाई दे रही है इमेज? आई होप की इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हेजी दिखाई दे रहा होगा, चलो कॉलेज को मैं दिखा दूंगा, बट यहां पर बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन जो होती है, अभी मैं इलेक्ट्रॉन गन आपको बना के दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है तो आपका इसके जो एक्स एंड वाई एक्सेस जो डिफ्लेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होते हैं, वहां से जब वो पास होती है और इस फास्फोरस स्क्रीन पर गिरती है, कोटेड स्क्रीन पर गिरती है, तो इमेज आपके ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है।
कल मैं इसको दिखा दूंगा आपको और अच्छे से। तो मैंने वर्किंग तो आपको समझाई दी है सीआरटी की, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सीआरटी के, ये सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये कंपोनेंट से क्वेश्चंस आते हैं सीआरटी के। कंपोनेंट मेनली फोर कंपोनेंट होते हैं आपके सीआरटी में, कंपोनेंट ऑफ सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में आपके फोर कंपोनेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गन। सेकेंड कॉम्पोनेंट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग एनोड्स। थर्ड कॉम्पोनेंट इज व्हाट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एज आई टोल्ड यू। एंड लास्ट कॉम्पोनेंट इज व्हाट गाइस, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स देन इट विल कोलाइड थ्रू द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन देन इमेजेस विल ड्रॉ। तब आपकी इमेज क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी। क्लियर है सभी को, जीतू बॉट एवरीवन क्लियर, साइंस स्टूडेंट गेमिंग क्लियर गाइस। सो दीज आर दी फोर कंपोनेंट्स, प्लीज नोट डाउन। अगर कोई आपसे पूछे कि सीआरटी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फोर कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉन गन जहां से आपके इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, ठीक है, फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग नोड्स, ठीक है, ठीक है, ये आपका नैरो एरिया क्रिएट करते हैं फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग नोड्स। ठीक है, उसके बाद जो आपके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किस डायरेक्शन में मूव करना है इलेक्ट्रॉन बीम को उस वैक्यूम ट्यूब में। और जब वो बीम आपके इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर पड़ती है, तो आपकी इमेज क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है। आपकी इमेज क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, इमेज, हाँ, फॉस्फोरस जिंक सबका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, रेडियंट सरफेस में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन, सो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, पहला कंपोनेंट आपका क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन है। एज आई टोल्ड यू द इलेक्ट्रॉन गन इज मेड अप ऑफ सर्वल एलिमेंट्स, मेनली ए हीटिंग फिलामेंट हीटर एंड ए कैथोड, इससे बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन गन। द इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड ऑन ए नैरो बीम फेसिंग द सीआरटी, जो आपके सीआरटी को फेस कर रहा होता है। फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग एनोड्स क्या होते हैं आपके, दीज एनोड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ए नैरो एंड शार्पी फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब उनको फोकस करके रखते हैं एकदम साफ तरीके से। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एज आई टोल्ड यू डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, दीज प्लेट्स आर यूज टू गाइड द पाथ, एज आई टोल्ड यू ये पाथ गाइड करते हैं। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन द बीम। ठीक है, द प्लेट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरिया एज इट ट्रेवल्स। ठीक है गाइस, एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट कॉम्पोनेंट इज व्हाट माई डियर फ्रेंड्स, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज यूज टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट्स व्हेन द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स इट। जब हाई, जो हाई स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, जब इस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर पड़ती है, तो वो आपके इमेज को ड्रॉ कर देती है। यहां तक की कहानी सभी को समझ आ गई, जीतू बंसल एंड एवरीवन गाइस, दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ सीआरटी गाइस। इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन आपके फिलामेंट से बनी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फोकसिंग एंड एसिलेटिंग एनोड्स, उनको शार्पी तरीके से फोकस कर देते हैं कहां मूव करना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, उनको गाइड करते हैं कि इस पाथ के थ्रू अगर मूव करना है। और लास्ट में जो आपका कंपोनेंट है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जब आपकी हाई वेलोसिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन बीम्स आ रही होती है, जब उससे टकराती हैं, जब उससे हिट्स होती हैं, सो आपकी इमेज ड्रॉ हो जाती है। क्लियर टू एवरीवन, टिल हियर जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। इन चारों कॉम्पोनेंट का आपको वर्किंग समझ में आ गई सीआरटी में। अगर किसी को कोई डाउट है माई डियर फ्रेंड्स, दे कैन आस्क मी हियर, दे कैन आस्क मी हियर माई डियर फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी डाउट। दीज आर द फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीआरटी, इलेक्ट्रॉन गन जहां से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं आपकी, और जो इलेक्ट्रॉन गन है वो आपकी मेनली कैथोड की या आपके फिलामेंट की बनी होती है। ठीक है, फोकसिंग एंड एसिलरेटिंग नोड्स आपका क्या करते हैं, एक शार्पी फोकस्ड प्रोवाइड करते हैं उन इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो इलेक्ट्रॉन गन से निकल रही है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी होती है, वो उसको पाथ गाइड करते हैं किस पाथ के थ्रू होकर जाना है। और लास्ट का जो कंपोनेंट है आपका, सबसे लास्ट में जो होता है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जब उस पर वो इलेक्ट्रॉन बीम्स आपकी हिट होती हैं, तो इमेज ड्रॉ हो जाती है। क्लियर टू एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी को सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर आई थिंक हो गया होगा। किसी को इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट, देन यू कैन आस्क मी हियर। दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ सीआरटी।
ठीक है। तो मैं आगे मूव करूं यहां से, कैन आई मूव नेक्स्ट गाइस, क्या हम लोग आगे मूव कर सकते हैं? एवरीवन, चीतू बंसल बॉट प्रो प्लेयर, एवरीवन गाइस, ठीक है। यहां पर हम लोग दो तरीके की स्क्रीन यूज करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन यूज करते हैं, डिस्प्ले सिस्टम्स यूज करते हैं गाइस, ठीक है। हम लोग दो तरीके का डिस्प्ले सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, दो तरीके की स्क्रीन यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरा होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ठीक है। सो देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, किसी भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। फर्स्ट वन इज व्हाट, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, एंड सेकेंड वन इज व्हाट गाइस, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। रैंडम स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज ऑल्सो नोन एज व्हाट गाइस, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले कहते हैं गाइस। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर इन डिटेल। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। सो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन, लिसन मी केयरफुली, देन आपको समझ में आ जाएगा। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले आपका होगा रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट लिसन मी केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर रास्टर स्कैन डिस्प्ले। सो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, पहले मुझे सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स आपकी होती है वो स्वेप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है। स्वेप्ट का मतलब, स्वेप्ट का मतलब फ्लो होती है अक्रॉस द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर फ्लो होती है, पूरी स्क्रीन पर फ्लो होती है और एक रो ड्रॉ कर देती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक रोड ड्रॉ कर देती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एक रोड ड्रॉ कर देती है एट ए टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग द लाइन एट ए टाइम, एक ही बार में, ठीक है। ये आपकी जो रियलिस्टिक शैडो इमेज होती है ना, रियलिस्टिक शैडो इमेज जो होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, उनको ड्रॉ करने के काम में आती है, ठीक है। यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम पूरी आपकी पूरी स्क्रीन पर अक्रॉस द स्क्रीन स्वेप्ट हो जाती है, तो जहां पर आपको इमेज ड्रॉ करनी है वहां तक जो आपके जो पिक्सल्स होती है उनकी इंटेंसिटी आपकी ऑन होती है, और जहां पर नहीं ड्रॉ करनी होती वहां पर ऑफ होती है, ठीक है, वहां पर ऑफ होती है। अभी मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखवा भी दूंगा यहां पर, ठीक है। सो यही इसका काम करने का तरीका है। यहां पर आपके फ्रेम बफर होते हैं जिसको हम लोग रिफ्रेश, ठीक है, फ्रेम बफर होते हैं आपके, जहां पर आपकी जो पिक्सल की इंटेंसिटी होती है वो जाकर शेप हो जाती है, क्लियर है। So, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले का काम करने का तरीका, रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो आपकी होती है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो स्वेप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है, एंड ड्रॉ ईच रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ए टाइम, एक ही बार में टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी आपका जो है रो ड्रॉ कर देती है, ठीक है। यहां पर कहां से लेके कहां तक आपको स्क्रीन ड्रॉ करनी है, स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ करनी है, उसके लिए जो पिक्सल्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी ऑन और ऑफ होती है, जहां पर ड्रॉ करनी होती है वहां वहां तक ऑन होती है, अदरवाइज ऑफ होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है ये रियलिस्टिक शेडो को ड्रॉ करने के काम में आती है, ग्राफिक जो कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं उनको, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको गाइस, ठीक है। सो अभी मैं इनको अच्छे से आपको बता दूंगा यहां पर, ये सारे पॉइंट्स पहले आप यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ए स्कैनिंग टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अलोंग द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर मूव करती है, ठीक है, इसको आप, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग वन लाइन एट ए टाइम, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपका एक लाइन को पूरा ड्रॉ कर देती है। ए रास्टर स्कैन इज बेस्ड ऑन पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल डिस्प्ले एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन द स्क्रीन कॉल्ड ए रास्टर, ठीक है। पिक्सल इंटेंसिटी मे बी ऑन और ऑफ, पिक्सल इंटेंसिटी ऑन एंड ऑफ, ठीक है। पिक्सल इंटेंसिटी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो इमेज आपको ड्रॉ करनी है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो जहां तक ड्रॉ करनी है इमेज वहां पर ऑन होगी, जहां पर नहीं ड्रॉ करनी है वहां पर ऑफ होगी, क्योंकि यहां पर आपको रास्टर स्कैन डिस्प्ले में जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है स्वेप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन,
ठीक है गाइस, अक्रॉस द स्क्रीन क्या होती है, वो आपकी स्वेप्ट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका, मैं अभी आपको यहां पर, अगला पॉइंट आपका यहां पर क्या है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एरिया कॉल्ड एज रेफरेंस बफर और फ्रेम बफर। जो इंटेंसिटी होती है ना इमेजेस की, जो पिक्सल की इंटेंसिटी होती है, वो फ्रेम बफर में स्टोर्ड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, फ्रेम बफर इज ऑल्सो नोन एज वॉट, रास्टर और बिटमैप। ठीक है, मैंने बताया ना फ्रेम बफर को हम लोग क्या कहते हैं, रास्टर और बिटमैप कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था बिटमैप इज वॉट गाइस, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, कल मैंने आपको बताया था। और पिक्सल्स यहां पर, इसमें जो आपका रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है, यहां पर पिक्सल्स आपके कहां पर होते हैं, फ्रेम बफर में, इसलिए फ्रेम बफर को हम लोग रास्टर और बिटमैप भी कह देते हैं गाइस। ठीक है, समझ में आ गई जो रिलेशनशिप है यहां पर। रास्टर स्कैन प्रोवाइड्स द रिफ्रेश रेट ऑफ 60-80 फ्रेम्स पर सेकंड, ये आपको याद करने की जरूरत है। जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो 60-80 फ्रेम्स पर सेकंड रिफ्रेश कर सकता है। क्लियर टू एवरीवन गाइस, गेमिंग जीतू बंसल बॉट प्रो प्लेयर, एवरीवन क्लियर? यस, बिटमैप इज लाइक ए ग्रिड, यस यू कैन से दैट, यस क्लियर टू एवरीवन टिल हियर, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हुई? ठीक है, यहां पर आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिख सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इट इज यूज, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज यूज टू ड्रॉ द रियलिस्टिक शैडो ऑफ स्क्रीन, शैडो ऑफ इमेज, शैडो ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहां पर जो भी रियलिस्टिक शैडो होती है इमेज की, उसको ड्रॉ करने के काम में आती गाइस। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रास्टर स्कैन इज बेस्ड ऑन द पिक्सल इंटेंसिटी कंट्रोल डिस्प्ले, अभी मैं बताऊंगा पिक्सल इंटेंसिटी या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। जब ऑन होगी तो उतनी दूर में आपकी इमेज डिस्प्ले होगी, ठीक है, ऑफ होगी तो वो आपके इलेक्ट्रॉन बीम स्वेप्ट है अक्रॉस द स्क्रीन, वो उसी फ्लो में आपके आगे मूव करते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है हमारा यहां पर। ठीक है, पहले मैं आपको यहां पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, कैसे ये काम करता है, सपोज ये हमारा कोई सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब है, यानी कि मॉनिटर समझ लो एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा मॉनिटर है जहां पर आपको डिस्प्ले होनी है इमेज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपका क्या करती है, ये आपका एक ही बार में पूरी रो को ड्रॉ कर देती है। ठीक है, तो सपोज ये आपका कोई सीआरटी है, मॉनिटर है, यहां पर पूरी बार में एक ही आपकी रो ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ड्रॉ हो रही है। ठीक है, और यहां पर ये आपके जो होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट लिसन मी केयरफुली, कि कैसे इंटेंसिटी का यहां पर खेल होता है। ठीक है, जस्ट लिसन मी केयरफुली, तो यहां से लेके यहां तक पूरी रो आपकी ड्रॉ हो गई। ठीक है, उसके बाद ये बैक आते हैं दूसरी रो को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से ये बैक आते हैं, दूसरी रो को ड्रॉ करते हैं, फिर से बैक आते हैं आपके दूसरी रो को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो गाइस इनको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग। प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, ये आपकी कहलाती स्कैन लाइन, स्कैन लाइन। और जो लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर से लेकर राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर तक आती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं गाइस, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रेसिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्टिकल ट्रेसिंग कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रेसिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वर्टिकल ट्रेसिंग कहते हैं। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, सपोज हमें स्क्रीन पर बी ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, बी ड्रॉ करना है स्क्रीन पर हमें। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, बी ड्रॉ करना है हमें स्क्रीन पर, क्या ड्रॉ करना है, बी ड्रॉ करना है। तो जो आपकी पिक्सल की, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम आपके स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन में स्वेप्ट होती है, फ्लो होती है, तो लेकिन यहां से लेके यहां तक आपकी जो पिक्सल की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ऑफ होगी। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बीम तो यहां से यहां तक है, लेकिन इंटेंसिटी पिक्सल की ऑफ होगी, कुछ यहां पर ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, कुछ यहां पर ड्रॉ नहीं होगा।
यहां से लेके जहां यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन होगी, उसके आगे भी यहां से लेके यहां तक पिक्सल की इंटेंसिटी ऑफ होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पिक्सल की इंटेंसिटी का खेल समझ में आ रहा है कि जो जो आपका रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है वो कंट्रोल्ड होता है थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल। पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन जहां पर होती है वहां पर इमेज ड्रॉ होती है मॉनिटर पर या डिस्प्ले सिस्टम पर, जहां पर ऑफ होती है वहां पर ड्रॉ नहीं होती है। जबकि अगर रैंडम की बात करें तो रैंडम में जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम होती ना, जस्ट वो वर्क करती है जस्ट लाइक एज ए पेंसिल, ओनली द पार्ट ऑफ द स्क्रीन को ही कवर करती है, लेकिन ये स्क्रीन के पूरे पार्ट में स्वेप्ट हो जाती है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में इलेक्ट्रॉन बीम होती है स्क्रीन के पूरे पार्ट में स्वेप्ट हो जाती है, फ्लो हो जाती है, लेकिन कंट्रोल्ड होती है इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल से। जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन होगी वहां पर इमेज ड्रॉ करेंगी, जहां पर ऑफ होगी वहां पर ऐसे निकल जाएंगी। क्लियर हो गया सभी को, इसको बना लो, समझ में आ गया इंटेंसिटी का खेल, समझ में आ गया गाइस सभी को, ऑन और ऑफ का खेल सभी को समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी मुझे बता दो फटाफट सारे लोग, बॉट प्रो प्लेयर साइंस स्टूडेंट गेमिंग जीतू बंसल एवरीवन गाइस एवरीवन जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर गाइस एवरीवन। सभी को समझ आ गया कि इंटेंसिटी से कैसे कंट्रोल होती है, इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल से रास्टर स्कैन डिस्प्ले कैसे कंट्रोल होता है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले रेस्टिक शैडो ऑफ द इमेज को ड्रॉ करने के काम में आती है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है स्वेप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन, बट ड्रॉ द ईच रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल। इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल को कौन होल्ड करके रखता है, फ्रेम बफर, जिसको रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर आपका ऑल्सो नोन एज व्हाट, बिटमैप। कहां पर स्टोर होता है, मेमोरी में। कहां पर स्टोर होता है गाइस, मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। सो इसी चीज को जो मैंने पिछले आपसे सभी ने ड्रॉ भी कर लिया, इसको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है, यानी कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम हम लोग कहां पर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन में, ठीक है। द वीम रिफ्रेशिंग हैज टू टाइप्स, वीम आपकी रिफ्रेशिंग दो टाइप की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग होती है या आपकी वर्टिकल रिट्रेसिंग होती है, ठीक है। व्हेन द वीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीचेस बॉटम राइट, एज आई टोल्ड यू, जब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट पर जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, याद हो अगर आपको, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना आपको, फिर से बना दे रहा हूं मैं यहां पर, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ठीक है बॉटम राइट कॉर्नर तक जाती है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिट्रेसिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल रिट्रेसिंग कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम लोग वर्टिकल रिट्रेस कहते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर, दो तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग के थ्रू, एक वर्टिकल रिट्रेसिंग के थ्रू, ठीक है। 60-80 फ्रेम्स पर सेकंड इसको रिफ्रेश करने का इसका रेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन द वीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीचेस बॉटम राइट एंड अगेन रिटर्न टू द टॉप लेफ्ट, इट इज कॉल्ड द वर्टिकल रिट्रेस, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिट्रेस, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर क्या है, इट विल कॉल बैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम मोर हॉरिजॉन्टली एज ए हॉरिजॉन्टल रिवर्सल भी कहते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल रिवर्सल भी कहते हैं गाइस। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, जब नोट कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है गाइस। मैं लास्ट में आपको इन सबका एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में इन सबका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, जब भी लेक्चर हम लोग लास्ट करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस, जितना आप लोग कर सकते हो उतना लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में के दोस्तों, ठीक है, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, और लास्ट में जब सेशन आपका एंड होगा तो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और इनका एक आपको एक पूरा एक नरेटिव जो है सेशन दे दूंगा मैं आपको, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है सभी को गाइस यहां तक की कहानी, चल तो सभी आई थिंक नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट गेमिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको बताई दिया था,
एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग रास्टर स्कैन डिस्प्ले के, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेज था रास्टर स्कैन डिस्प्ले के। रियल इमेज मैंने बताया था, रियलिस्टिक इमेज को ड्रॉ करने के काम में आती है, रियलिस्टिक इमेज को ड्रॉ करने के काम में आती है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है गाइस, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज रास्टर स्कैन डिस्प्ले का क्या है, इट इज यूज टू ड्रॉ द रियलिस्टिक शैडो ऑफ द इमेज, सो रियल इमेज को ड्रॉ करने के काम में आती है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, मैनी कलर्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कई सारे कलर्स आपके प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या है, डार्क सीन्स कैन बी पिक्चर्ड, जो आपके डार्क सीन्स होते हैं उनको भी पिक्चर्ड किया जा सकता है थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स के थ्रू, थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स के थ्रू। ओके राजन, ओके राजन, ठीक है। सो ये ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सीआरटी, सॉरी रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम गाइस। डिसएडवांटेज क्या है, लेस रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आपका लेस है यहां पर, ठीक है। डिस्प्ले पिक्चर लाइन बाय लाइन, पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं लाइन बाय लाइन, मोर कॉस्टली, कॉस्ट ज्यादा है। लाइन बाय लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर को हम लोग, एक एक लाइन, एक रो यहां पर हमने क्रिएट कर दी, दूसरी रो हमने यहां पर क्रिएट कर दी, तीसरी रो हमने यहां पर क्रिएट कर दी, चौथी रो हमने यहां पर क्रिएट कर दी। उसके बाद सपोज हमें यहां पर बी ड्रॉ करना है, क्या करना है, बी ड्रॉ करना है, तो इमेज को तो लाइन बाय लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है। हर एक एक की रो तो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग टॉप टू बॉटम, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन गाइस हियर, राजन क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज व्हाट रियल इमेज, एज आई टोल्ड यू, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द रियलिस्टिक शैडो ऑफ द इमेज। Many colors we can produce with the help of raster scan display. Dark scenes can be pictured. Dark scenes को भी pictured किया जा सकता है, ठीक है। And disadvantage क्या है दोस्तों उसका, less resolution है इसका, display picture line by line picture को display कर पाते हैं और cost ज्यादा है। So please note down all these things, okay? डार्क सीन्स मीन्स इज व्हाट, जैसे कि जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी ऑफ है तो वहां पर उसको ऑन करके भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। पिक्सल की इंटेंसिटी अगर ऑफ है तो उसको ऑन करके भी ड्रॉ किया जा सकता है, डार्क सीन्स का मतलब वो है। समझ में आया राजन, समझ में आया, प्लीज शेयर द सेशन गाइस, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो लेक्चर जो सीरीज चल रही है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, और लास्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। चलो सो आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा यहां पर। अगला हम लोग यहां पर पढ़ते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले। सो रैंडम स्कैन डिस्प्ले में थोड़ा सा बता देता हूं आपको, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। रैंडम स्कैन डिस्प्ले को हम लोग वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं, ठीक है। सो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या था, आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम होती थी वो पूरी स्क्रीन पर अक्रॉस द स्क्रीन स्वेप्ट होती थी, फ्लो होती थी, बट ईच रो ड्रॉ करती थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ए टाइम, एट एवरी टाइम, ठीक है। किससे कंट्रोल होती थी, पिक्सल्स की इंटेंसिटी से कंट्रोल होती थी इमेज, ठीक है। जहां पर ऑन होती थी वहां पर इमेज आपकी ड्रॉ होती थी, जहां पर ऑन होती थी पिक्सल की इंटेंसिटी वहां पर, जहां पर ऑफ होती थी वहां पर ड्रॉ नहीं होती थी। पिक्सल की इंटेंसिटी को होल्ड करके कौन रखता था, फ्रेम बफर, फ्रेम बफर को हम लोग क्या कहते हैं, रिफरेंस बफर भी कहते थे, ठीक है। फ्रेम बफर को हम लोग बिटमैप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिटमैप इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, और फ्रेम बफर किसकी इंटेंसिटी को होल्ड करके रखता है, पिक्सल की इंटेंसिटी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया आपका किसका, रास्टर स्कैन डिस्प्ले का, और रियलिस्टिक शैडो ऑफ द इमेज को भी ड्रॉ करने के काम में आता है। उसका जो रिफ्रेश रेट था वो 60-80 फ्रेम्स पर सेकंड था, इसका रिफ्रेश रेट ओनली कितना है, 30-60 टाइम्स पर सेकंड, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो रैंडम स्कैन को हम लोग वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं गाइस, रैंडम स्कैन को हम लोग वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक राइटिंग डिस्प्ले और कैलियोग्राफिक डिस्प्ले, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होती ना आपकी रैंडम स्कैन डिस्प्ले में, वो जस्ट वर्क लाइक एज ए पेंसिल, मतलब स्क्रीन के उतने ही पार्ट को ड्रॉ करती है जितने पार्ट में इमेज ड्रॉ होनी है। इलेक्ट्रॉन बीम आपके पेंसिल की तरह काम करती है, मतलब पेंसिल क्या होती है, उतने ही पार्ट को ड्रॉ करती है जितने पार्ट को आप ड्रॉ करना चाहोगे,
मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल का खेल नहीं है कि पिक्सल की इंटेंसिटी जहां पर ऑन होगी वहां पर इमेज ड्रॉ होगी, जहां पर ऑफ होगी वहां पर नई इमेज ड्रॉ होगी। यहाँ पेंसिल का जितनी जितनी दूर में आप पेंसिल फिराओगे उतनी दूर में इमेज ड्रॉ होगी आपकी, ठीक है। ओके आई विल टेल देम, ठीक है। सो यहां पर सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले, यानी कि एक ही स्ट्रोक में पूरी इमेज आपकी ड्रॉ होती है, और कैलियोग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। इन दिस द इलेक्ट्रॉन बीम पॉइंट्स ओनली टू द एरिया इन विच द पिक्चर इज टू बी ड्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन बीम जो है जस्ट वर्क लाइक एज ए पेंसिल है, इट वर्क्स जस्ट लाइक एज ए पेंसिल, इट वर्क्स जस्ट लाइक एज ए पेंसिल, जस्ट लाइक एज ए पेंसिल, एज ए पेंसिल, पेंसिल की तरह काम करती है, मतलब स्क्रीन के उतने पार्ट में इमेज को या पिक्चर को ड्रॉ करती है जितने पार्ट में उसकी जरूरत है, पूरे पार्ट को कवर नहीं करती है। जबकि उसमें रास्टर स्कैन डिस्प्ले में जो इलेक्ट्रॉन बीम होती थी आपकी पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले मतलब स्वेप्ट होती थी, फ्लो होती थी, और उसको कैसे इमेज ड्रॉ होती थी, जो पिक्सल की इंटेंसिटी जो होती थी उसके बेसिस पे कंट्रोल्ड होती थी, जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी ऑन होती थी वहां पर इमेज ड्रॉ होती थी, जहां पर ऑफ होती थी वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे ही जाने देते थे हम लोग। यहां पर ओनली द इट कवर्स ओनली द पार्ट ऑफ द स्क्रीन, मतलब जहां पेंसिल की तरह काम करती है यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम, तो जितने मतलब स्क्रीन के जितने पार्ट पर पिक्चर ड्रॉ होनी उतने पार्ट पर ही वो ड्रॉ करती है, ठीक है। बिल्कुल पेंसिल की तरह काम होता है यहां पर, किसकी तरह काम होता है गाइस, पेंसिल की तरह, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम, यहां पे लिखा हुआ भी है, इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम लाइक ए पेंसिल टू मेक ए लाइन इमेज ऑन द स्क्रीन। द इमेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स ऑन द स्क्रीन। Each line segment is drawn by the beam to pass from one point on the screen to the other where its x and y coordinates defines each point. इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा, और यहाँ पर इसका refresh rate given है 30 to 60 times per second, frames per second, और वहाँ पर कितना था 60 to 80 frames per second, ठीक है। तो दोनों में reference याद रखिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, draw करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, just listen me carefully। यहाँ पे कैसे काम होता है, सपोज ये आपका कोई सीआरटी स्क्रीन है, यहां पर ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। यहां से आपकी क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहां पर जस्ट इट वर्क्स जस्ट लाइक एज ए पेंसिल। सपोज अगर आपको क्या ड्रॉ करना है, सपोज अगर आपको क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो ये पूरी एक लाइन एक पॉइंट को एक लाइन को ड्रॉ करेगी यहां से यहां तक, उसके बाद दूसरी लाइन को ड्रॉ करेगी यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी लाइन को ड्रॉ करेगी, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो वैसे तो उसके कई सारे स्टेप बन सकते थे, बट मैंने आपको सिंपल एक स्टेप में समझा दिया। सपोज ये आपका कोई मॉनिटर है, ठीक है, ये आपका मॉनिटर है कोई, ठीक है, स्क्रीन है, और यहां पर आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ये सपोज इलेक्ट्रॉन गन है, यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, जहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉन बीम, क्या निकल रही है यहां पर, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। सो इलेक्ट्रॉन बीम जो है जस्ट वर्क्स लाइक एज ए पेंसिल, सो उतने ही पार्ट को ड्रॉ करेगी जितने पार्ट में आपको पिक्चर को स्क्रीन के उतने पार्ट को कवर करेगी जितने पार्ट में आपको पिक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इसने पहली लाइन यहां पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ की, और उसी पॉइंट पर वापस आ गई जहां से इसने स्टार्ट किया था। क्लियर टू एवरीवन? So, ये आपका रैंडम, दिस इज द वर्किंग ऑफ द रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट गाइस, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, इट इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट व्हाट, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। इसको स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं और कैलियोग्राफिक डिस्प्ले भी कहते हैं, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। यस ओनली सब्सक्राइब मोडी है चैट गाइस, ठीक है, सब्सक्राइब मोडी है, सभी लोग तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। क्लियर है सभी को यहां तक की कहानी, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। मैं सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और उसके बाद क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक नैरेटिव सेशन दूंगा, नैरेटिव राउंड दे दूंगा, जितनी चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया उनको एक नैरेटिव फॉर्म में आपको बता भी दूंगा लास्ट में। सो क्लियर टू एवरीवन हियर गाइस,
तो रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, प्लीज मेक इट ओके फास्ट। क्लियर है? सेशन को लाइक करके या शेयर करो जितना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना मजा आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, यहां पर नोट करिए। चलो अगला पॉइंट कर लेते हैं यहां पर। तो ये जैसे कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, ऐसे इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, सो एडवांटेज क्या है? हाई रिजोल्यूशन है, वहां पर उसका लेस रिजोल्यूशन था रास्टर स्कैन में, यहां पर रैंडम स्कैन में हाई रिजोल्यूशन है। ड्रॉ स्मूथ लाइन ड्रॉइंग, ठीक है, ये स्मूथ लाइन ड्रॉइंग में यूज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? इट डज ओनली द वायर फ्रेम। ठीक है, मतलब कि वायर फ्रेम का मतलब स्क्रीन के उतने ही पार्ट को कवर करता है जितने पार्ट में आपका इमेज ड्रॉ होनी है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, इट क्रिएट कॉम्प्लेक्स सीन्स ड्यू टू फ्लिकर, कॉम्प्लेक्स सीन क्रिएट कर देता है ड्यू टू फ्लिकर। ठीक है, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिए? तो एडवांटेज याद रखिएगा, लेस हाई रिजोल्यूशन है, लाइन स्मूथ लाइन को ड्रॉ करने में यूज करता है रैंडम को। ठीक है, इट डज ओनली द वायर फ्रेम, उतने ही फ्रेम को कवर करता है जितने में इमेज ड्रॉ करनी है, और कॉम्प्लेक्स सीन्स क्रिएट कर देता है ड्यू टू फ्लिकर। क्लियर टू एवरीवन गाइस? एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लीज नोट इट डाउन। अगर सभी ने नोट कर लिए हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस, आज सीआरटी डिस्कस करेंगे, सीआरटी पढ़ी हम लोगों ने, उसके बाद स्क्रीन कितने टाइप की, डिस्प्ले सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, रैंडम रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन, रैंडम स्कैन को हम लोग वेक्टर स्कैन भी कहते हैं, दो टाइप के स्क्रीन डिस्प्ले सिस्टम होते हैं आपके। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो रैंडम और रास्टर सभी को क्लियर हो गया गाइस? ये रैंडम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। रास्टर का डिसएडवांटेज क्या था? लेस रिजोल्यूशन था, तो वो रैंडम का एडवांटेज बन गया, हाई रिजोल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, स्मूथ लाइन ड्रॉ करनी हो तो हम लोग रैंडम स्कैन डिस्प्ले यूज करेंगे, रैंडम स्कैन स्क्रीन यूज करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? ये ओनली स्क्रीन के उतनी पार्ट को कवर करता है जितने पार्ट पर आपको इमेज ड्रॉ करनी है, कॉम्प्लेक्स सीन्स क्रिएट कर देता है। क्लियर है सभी को गाइस कि नहीं? क्लियर टू एवरीवन? आगे मूव करें, देखो इंटरेक्ट करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करो सभी लोग फटाफट, बिना कुछ सोचे समझे सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मुझे। तो एज आई टोल्ड यू कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे एक घंटे में या वन एंड हाफ आवर्स आवर्स में, उतने जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है। उससे क्या होगा कि आपको चीजें और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, और अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। सबसे पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन क्या है, प्लीज नोट डाउन ऑल दी क्वेश्चंस गाइस। अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट आर रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन टेक्निक्स? जल्दी से फटाफट आंसर करो, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ी है, उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया। सो व्हाट आर रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन टेक्निक्स गाइस? दिस इज द डिस्प्ले टेक्निक्स, दिस इज द डिस्प्ले टेक्निक्स। इमेज को अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले टेक्निक्स हैं रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन। रैंडम स्कैन को हम लोग वेक्टर, ठीक है, टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है, मतलब व्हाट टाइम ही नहीं है का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सो व्हाट आर रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन टेक्निक्स गाइस? टेक्निक्स टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दो टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं इमेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए, डिस्प्ले सिस्टम से आपके रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन। ठीक है, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग। इट इज नॉट ए लाइन ड्रॉइंग टेक्निक, इट इज नॉट ए पॉलीगन ड्रॉइंग टेक्निक, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, यहाँ पर क्या करेक्ट है गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा सारे लोग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा भी सही लगे आप लोगों को, टाइम सेव करना है सेव करिए। ठीक है, बट यहाँ पर सबके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के यूजीसी नेट वगैरह का जो एग्जाम दे रहे हैं
उनको भी बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर ए स्मूथ लाइन ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन एज आई टोल्ड यू, ठीक है। स्मूथ लाइन ड्रॉइंग के लिए अगर स्मूथ लाइन ड्रॉ करनी है हमें स्क्रीन पर, तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी डिस्प्ले टेक्निक यूज करेंगे गाइस? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, सभी लोग सोच समझ के आंसर करिए। काफी लोग लाइव है बट रिप्लाई कुछ ही लोग कर रहे हैं, ट्रैक कुछ ही लोग करते हैं, बाकी के लोग बैठ के आराम से देख रहे होते हैं। किसी एक बच्चे ने ठेका नहीं लिया हुआ है रिप्लाई करने का, सारे लोग रिप्लाई करोगे, इंटरेक्ट करोगे और बताओगे कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। 6 बंदे मतलब लाइव शो हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, काफी लोग लाइव हैं लेकिन रिप्लाई कुछ ही लोग कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों लाइव नहीं आते लोग यार, इतनी बेहतरीन से चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। वो अभी जो आपको पढ़ाएगा उससे पूछना हुआ नहीं चीजें, जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो डील करो बस, खाली मेरे साथ वो चीजें करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर अ स्मूथ लाइन ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन एज आई टोल्ड यू स्मूथ लाइन ड्रॉइंग इज एडवांटेज ऑफ द रैंडम स्कैन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है। सो यस ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, यहाँ पर भी क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले नो, ठीक है, बोथ एंड बी नो, नन ऑफ द अबव नो, ऑप्शन ए यहां पर भी करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो जितना हम लोग पढ़ेंगे उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अभी जैसे आपका यूपीपीएससी के थ्रू जो यूपी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पर एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर ए रियलिस्टिक शैडो इमेज ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन, रियलिस्टिक शैडो इमेज ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन। मैंने सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं और ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं गाइस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में और मैंने सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए फटाफट। रिक्वेस्ट है सर कोई कोर्स भी नहीं गेट एकेडमी में, कोर्स इन द सेंस व्हाट यू वांट टू से, मतलब कि ये नेट वगैरह यूजीसी नेट वगैरह का कोर्स, राजन व्हाट यू वांट टू से यार, ठीक है, एग्जैक्टली बात समझ में नहीं आती आपकी, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन ये रहा, रियलिस्टिक शैडो इमेज ड्रॉ करने के लिए, मैंने आप रियल इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है, नॉट रैंडम राजन, दिस इज द रॉन्ग आंसर, फॉर द रियलिस्टिक और रियल इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज करते हैं, नॉट रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। सो रैंडम ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, आई थिंक सचिन सर ने पढ़ाया तो है ऊप्स वगैरह, ठीक है, सचिन सर ने पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। रियल इमेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग रास्टर स्कैन डिस्प्ले यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है बताया तो, सारे लोग रिप्लाई करेंगे यार, देखो काफी लोग लाइव हैं, अगर इन सारी चीजों का आंसर बताया तो प्लीज आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यार आंसर करने में, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्राफिक्स से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ मुझे क्या होना चाहिए, सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है वहीं से आपके क्वेश्चन है ये सारे, 1 मिनट का टाइम लो, जितने भी लोग लाइव हो सभी लोग आंसर करो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर करो दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रैंडम स्कैन डिस्प्ले एल्गोरिथम, रैंडम स्कैन डिस्प्ले एल्गोरिथम, जल्दी से आंसर करो उस क्वेश्चन का, सोच समझ के आंसर करो गाइस, सारे लोग आंसर जरूर करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का,
क्योंकि यहाँ खुद से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यूजीसी नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स से, या डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर सीजी पूछी जाती है वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। बी एंड सी बोथ आई थिंक दोनों कैसे हो सकते हैं माय डियर, ठीक है चलो देखते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन अकॉर्डिंग विद द रैंडम स्कैन डिस्प्ले एल्गोरिथम। रैंडम स्कैन को याद करो, ठीक है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम, ठीक है रैंडम स्कैन, ठीक है यस। इट हैज ए हाई रिजोल्यूशन, नो। इट हैज ए हाई रिजोल्यूशन, यस, ठीक है। ये भी हाई रिजोल्यूशन भी है इसके पास, ठीक है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इट हैज एन इलेक्ट्रॉन बीम विच स्ट्राइक्स ओनली दैट पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर द ड्रॉइंग इज नीडेड, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट है यार, ऑप्शन डी करेक्ट है, कहां हो, ऑप्शन डी करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ऑल दीज थिंग्स इज ट्रू रिलेटेड टू द रैंडम स्कैन डिस्प्ले, बिकॉज रैंडम स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ट सूटेड फॉर द लाइन स्मूथ लाइन ड्रॉइंग। रैंडम स्कैन डिस्प्ले रिजोल्यूशन इज वॉट हाई, एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले में आपका स्क्रीन का उतना ही पार्ट कवर होता है जितने पार्ट पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। क्लियर है सभी को, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। ऑल दीज थिंग्स इज बिलोंग्स टू द रैंडम स्कैन डिस्प्ले, जिसको हम लोग वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं गाइस। सो आंसर शुड बी व्हाट, ऑल ऑफ द अबव, आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, क्लियर, क्लियर है दोस्तों। काफी लोग लाइव हो बट किसी एक बच्चे को आपने ठेका दे दिया कमेंट करने का, वो ठेका लिया है राजन ने, ठीक है। सो क्लियर है सभी को यहां तक की कहानी, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं वही मैं आपके साथ यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन गाइस, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग और ट्रेवलिंग ऑफ बीम इन ए रास्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कई जगह एचएल वगैरह में पूछा गया है, ठीक है। आईटी ऑफिसर का एग्जाम होता है बैंकिंग वगैरह में, वहां पूछा गया है, ठीक है। एक बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कई जगह पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कई जगह पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ फटाफट क्या होगा सभी लोग। सो शायद हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया है, जो स्कैनिंग होती है, जो ट्रेवलिंग होती है बीम के, इलेक्ट्रॉन बीम के रास्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक में, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं स्पाइरल स्कैनिंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग, स्पाइरल स्कैनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइरल स्कैनिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल स्कैनिंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सो प्लीज रिमेंबर इट, जो हम लोग ट्रेवलिंग और स्कैनिंग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के लिए रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, That scanning is known as what guys, spiral scanning. That scanning is sir, ठीक है, हाँ ये डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, मैं बता रहा हूं यहां पर, इसको प्लीज नोट इट डाउन इन द रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम नोट, ठीक है। द स्कैनिंग और ट्रेवलिंग विच बी यूज इन द इलेक्ट्रॉन बीम इन द रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल स्कैनिंग गाइस, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल स्कैनिंग। क्लियर सभी को, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, प्लीज मेक इट नोट इन द रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम गाइस। चल अगला क्वेश्चन करें, सो प्लीज नोट इट डाउन, या जो भी आपको लेना है इसका लेके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। सोचो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से हैं। हाँ लाइक कॉइल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर गाइस,
जल्दी से मुझे आंसर करो उस क्वेश्चन का माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया, वहीं से क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर सारे दोस्तों को। कुछ लोग तो इंटरेक्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी, मतलब बताना ही नहीं चाहते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं। अगर आप नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा यार, ठीक है। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पर लाइव है वो सभी मुझसे इंटरेक्ट करो, बताओ कि सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है या ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। रास्टर स्कैन जो डिस्प्ले होता है वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं वो आपकी स्वैप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन, स्वैप्ट होती है अक्रॉस द स्क्रीन गाइस, और एक बार में वो टॉप टू बॉटम मूव करके एक लाइन को ड्रॉ कर देती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, कंसिडरिंग वन रो एट ए टाइम, ठीक है। इन इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड अक्रॉस द स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे मूव करती है रैंडम में, या वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में ऑनली द पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे मूव करती है, यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे मूव करती है, और कंट्रोल कैसे होती है, इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल से कंट्रोल्ड होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल से कंट्रोल्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सो नोट डाउन कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ही हैं। मैं डेली हर जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और बीच बीच में मैं मैराथन सेशन लेकर आऊंगा आप आपके सीओए के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से मुझे आंसर बताओ उस क्वेश्चन का भी, सभी लोग वन मिनट का टाइम लो, जितना पढ़ाया है और जहां से जितना हम लोगों ने पढ़ा है वही से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। डेली वन आवर या वन अंडर हाफ आवर या वन अंडर टेन मिनट, ठीक है, डेली हम लोग डिस्कस करेंगे 7 PM पर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ईच रो, इट्स इंटेंसिटीज अल्टरनेटिवली टर्न ऑन और ऑफ होती रहती है, विच हेल्प्स टू क्रिएट ए पैटर्न ऑफ स्पॉट्स दैट आर एलुमिनेटेड, जो आपके इलेक्ट्रॉन बीम से एलुमिनेटेड है स्पॉट्स किसी भी पैटर्न के, उनको ऑन और ऑफ करके बताती है, ठीक है। तो यस, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है मेरा दोस्तों, ए सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटेंसिटी ऑन और ऑफ होती है कहां पर, रास्टर स्कैन में, जहां पर आपकी रो आपकी डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इनको नोट डाउन कर लेना या तो बाद में इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन गाइस, जल्दी से आंसर करो फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का भी, वन मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट आंसर करो, सोच समझ के आंसर करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। ओके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो आपका रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता है, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है जस्ट लाइक एज ए पेंसिल काम करती है, ओनली उतने ही स्क्रीन के पार्ट को कवर करती है, ड्रॉ करती है, जितने पार्ट पर आपकी इमेज ड्रॉ होनी है, जितने पार्ट पर आपकी क्या ड्रॉ होनी है, इमेज ड्रॉ होनी गाइस, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया बात है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, क्या करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन गाइस, जल्दी से आंसर करो फटाफट, रास्टर स्कैन सिस्टम जनरली यूज, रास्टर स्कैन सिस्टम जनरली यूज, क्या यूज करता है रास्टर स्कैन सिस्टम, कैसे काम करता है रास्टर स्कैन सिस्टम, अगर आपको वो याद है, ठीक है, तो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट के थ्रू, तो उसका आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राजन का आंसर आ चुका है, फ्रेम बफर होता है और इसको हम लोग रिफ्रेश बफर भी कहते हैं, जहां पर ये होल्ड करके क्या रखता है, इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स,
इसलिए इसको हम लोग बिटमैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? बिटमैप भी कहते हैं इसको हम लोग इसलिए। सो अगर आप मेरे सारे पॉइंट्स याद रखोगे जो मैंने आपको दिए हैं, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर कंप्यूटर ग्राफिक्स आती है आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकोगे और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। सो बहुत ही अच्छी बात है। रास्टर स्कैन सिस्टम्स जनरली यूजेस व्हाट? जनरली यूजेस व्हाट? फ्रेम बफर, और इसको हम लोग रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश बफर, रिफ्रेश बफर भी कहते हैं, और बिटमैप भी कह देते हैं इसी को हम लोग। क्या कहते हैं? फ्रेम बफर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? बिटमैप। ठीक है, रास्टर स्कैन सिस्टम्स में, और रास्टर स्कैन सिस्टम्स में जो रिफ्रेश रेट होता है वो 60 to 80 होता है, 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, तो ये सब याद रखना, रिफ्रेश रेट वगैरह। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहां पर आपका। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन गाइस। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर करो, मुझे 1 मिनट लो, लेकिन अच्छे से आंसर करना। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, उनको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैंने सिर्फ यहाँ पे सीआरटी डिस्कस किया है और डिस्प्ले डिवाइस डिस्कस किए हैं। डिस्प्ले स्क्रीन सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं, रैंडम और रास्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर बताओ फटाफट सारे लोग। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे प्लीज। ठीक है, माहौल बनाएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। डेली 7 PM पर कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिस्कस करता हूं यहां पर डिटेल में। क्या कह रहे हो आप? एफपीएस और रिफ्रेश रेट शॉर्ट बताएं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विद रेफरेंस टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। देख लेते हैं। इट हैज एन इलेक्ट्रॉन बीम दैट डायरेक्टेड ओनली टू द स्क्रीन एरियाज वेयर एनी पिक्चर हैज टू बी डिस्प्लेड। बिल्कुल सही बात है। इट हैज ए गुड पिक्सल अमाउंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेजोल्यूशन इसका हाई होता है। इसका मतलब क्या है? बिकॉज रेजोल्यूशन इज हाई, इसका रेजोल्यूशन क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, जिनको ना समझ में आएगा वो इससे समझ लेंगे। रेजोल्यूशन किसका? रैंडम स्कैन डिस्प्ले का हाई होता है गाइस। रैंडम स्कैन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन हाई होता है। रेजोल्यूशन हाई का मतलब है अगर रेजोल्यूशन हाई है तो पिक्सल अमाउंट सफिशियंट अमाउंट में है इसके पास। इट्स आइडियल फॉर लाइन ड्रॉइंग। बिल्कुल स्मूथ लाइन ड्रॉइंग करनी है उसके लिए आइडियल एल्गोरिथम है आपकी रैंडम स्कैन डिस्प्ले। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है राजन। तो दोस्तों जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे सभी उस आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन आपका एचएएल में पूछा गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 2016 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, ए के वहां पर एग्जाम होता है बीटेक के सीएस के लिए। ठीक है, सो 2016 का क्वेश्चन है, और अगर आपने रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आई थिंक ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्लियर है सभी को? सो ऑप्शन डी यहां पर आपका क्लियर है सभी को गाइस। चल अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन गाइस। इजी नहीं है, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए इजी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, विद रिफ्रेंस टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू मूव टू अनदर फ्रेम। दिस मोशन इज रेफर्ड टू एज। जल्दी से आंसर करो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतने ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और मैं आपके लिए लेकर आया था प्रैक्टिस कराने के लिए। जितना मैंने नहीं पढ़ा है उतने क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, जितना पढ़ते रहेंगे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, तो सारी डिस्प्ले डिवाइसेस को कवर करेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस आपका यूजीसी नेट के एग्जाम के सिलेबस में है। बी, विद रेफरेंस टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू मूव टू द अनदर फ्रेम। लेफ्ट टॉप कॉर्नर याद करो, अच्छे से आंसर करो, अच्छे से आंसर करो गाइस। क्या होगा? कौन सा रिट्रेस होगा, हॉरिजॉन्टल या कौन सा? गलत आंसर नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स।
अरे यार रास्टर स्कैन डिस्प्ले में ठीक है ये सपोज लाइन टू लाइन ड्रॉ होती है, ईच रो आपकी ड्रॉ हो जाती है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ठीक है बॉटम राइट कॉर्नर तक की इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रेस। क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल ट्रेस कहते हैं हम लोग, ना कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, समझ में आ गया? वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाउ यू आर क्लियर। वर्टिकल ट्रेस ऑप्शन ए, क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रेस ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रोल ऑफ ए फ्रेम बफर इज दी, मतलब जो फ्रेम बफर है, रेफरेंस फ्रेम होता है रास्टर स्कैन डिस्प्ले में, ठीक है, उसका मेन रोल क्या होता है? एक मिनट लो, अच्छे से डिस्कस करके आंसर बताओ मुझे। जितने लोग भी यहां पे लाइव आकर देखते हैं यार, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर किया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो आंसर करने में कोई नुकसान नहीं है, आपका बहुत सारा फायदा है। ऐसे क्वेश्चंस आप जब दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, ठीक है। सर ने बताए भी थे लेकिन हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक नरेशन भी दूंगा जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है यहां पर, ठीक है। ठीक है, द मेन रोल ऑफ है, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो मेन रोल होता है फ्रेम बफर का वो स्टोरेज कंडीशनिंग एंड आउटपुट, स्टोर करता है, कंडीशनिंग ऑन है कि ऑफ है फिक्सर्स आपके, और उसको आउटपुट देता है आपको, ठीक है। सिंपल है यार, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या नाम है? राजन भैया। रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम में जो फ्रेम बफर होता है उसको रेफरेंस बफर भी कहते हैं, बिटमैप भी कहते हैं, जहां पर पिक्सल की इंटेंसिटी स्टोर होती है, ठीक है। फिर कंडीशनिंग अप्लाई होती है कि पिक्सल की इंटेंसिटी कहां से लेके कहां तक ऑन है कि ऑफ है, उसके बाद वो आउटपुट देता है आपको स्क्रीन पर। क्लियर? क्लियर है यार, सिंपल सी कहानी है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है गाइस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। आज हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस स्टार्ट किया था, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस या डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या विजुअलाइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना करने के लिए हम लोग वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। कितने टाइप की होती है? बहुत टाइप की थी, आपका सीआरटी, कलर सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, थ्री, ठीक है। प्लाज्मा डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हमने पहला स्टार्ट किया था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, चार कॉम्पोनेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, ठीक है, तो उसको जो एनोड्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, पाथ प्रोवाइड करती हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन बीम आपके जो भी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है सीआरटी में, उस पर जब कोलाइड करती है, गिरती है, हिट्स होती है, तो इमेज ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग दो सिस्टम्स यूज करते हैं, रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन, ठीक है। रैंडम स्कैन को वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं और रास्टर स्कैन। तो रास्टर स्कैन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, रास्टर स्कैन में जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो सीआरटी इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है, वो स्क्रीन पर, पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर अक्रॉस द स्क्रीन जो है स्वेप्ट हो जाती है, फ्लो करती है, और ईच रो को ड्रॉ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ए टाइम, रियलिस्टिक इमेज को ड्रॉ करने के काम में आती है। जो पिक्सल की इंटेंसिटी होती है वो कंट्रोल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी ऑन और ऑफ की वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पिक्सल की इंटेंसिटी को स्टोर करता है आपका कौन, फ्रेम बफर, जिसको डिफरेंस बफर भी कहते हैं और बिटमैप भी कहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या था आपका इसका, रास्टर का लेस रेजोल्यूशन था, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अब आपका रैंडम स्कैन पर आते हैं, वेक्टर, जिसको वेक्टर स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है, वो जस्ट लाइक अ पेंसिल काम करती है, मतलब उतने ही स्क्रीन के पार्ट को कवर करती है जितने स्क्रीन पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एडवांटेज क्या था, हाई रेजोल्यूशन है, स्मूथ लाइन ड्रॉ करनी है तब यूज करते हैं हम लोग उस, किसको, रैंडम स्कैन को, ठीक है गाइस। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को, हम लोगों ने कितना डिस्कस किया, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। सबको अगर मजा आ रहा है तो डेली 7 PM पर, दोस्तों डेली सबको बता दो यार, डेली 7 PM पर कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही डिटेल में और इतने अच्छे से, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको सीजी को जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा,
पॉइंट के बाद क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो क्लियर टू एवरीवन गाइस, क्लियर टू एवरीवन और नॉट गाइस? सभी को क्लियर है यहां तक की पिक्चर गाइस? सो अगर यहां तक की पिक्चर क्लियर है तो जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीधी पढ़ा रहा हूँ, डेली 7 PM पर। चैनल को हिट करो, अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ, उनको लेकर आओ, माहौल बनाओ, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। सो डेली 7 PM पर मिलेंगे हम लोग सीजी के साथ, क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक्स के साथ। जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, गुड नाइट।